कहानी। तो भाई देखो, अब एलिस के लिए कन्हैया जी की भी एक कथा सुननी है, और निखिल तुम्हारे लिए सुननी है क्या? सुनिए सागर, और तुम्हें सुनिए। तो बच्चों को लगता है कि यार उनके लिए कान्हा जी की भी कथा सुनानी चाहिए, तो मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कान्हा जी तो नटखट तो थे, ये तो आप सब लोगों को पता है। घर घर जाकर चोरी करते थे, माखन की लूटा पट्टी करते थे, और जानते बिल्कुल नहीं थे, माखन चुरा लेते, उसके बाद में भी कहते नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया, और अपना दूध दूसरे को मर देते, ठीक है ना। तो उन्हीं की नटखट की एक कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, कन्हैया जी अपने दोस्तों के साथ यमुना जी के किनारे पर आए। तो वहाँ उन लोगों ने मन में सोचा कि यार क्यों ना आज गेंद खेली जाए। तो उसने सखाओं के साथ जैसे मंत्र का सुदामा या बहुत सारी कथा दे चुके जैसे वो लोग गेंद खेलने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। तो वहाँ पर सब गेंद खेल रहे थे, अच्छी प्रेम भाव से नहीं अच्छी खेल रहे। अब खेलते खेलते उनके मित्र के मतलब एक कथा ने इतनी जोर से गेंद में लात मार दी, वो गेंद जाकर यमुना जी में चली गई। तो फिर क्या हुआ, कान्हा जी के हाथ से वो गेंद चली गई, कान्हा जी के हाथ से गई। तो उनके मित्र बोले नहीं मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, कान्हा तुम लेके आओ, तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने जानबूझ कर किया, रोने लगे भैया। अब कान्हा जी ने कहा नहीं लो मैं तुम्हारी गेंद लेके आऊँगा। तो कान्हा जी ने क्या किया कि वो यमुना जी में जाकर कूद पड़े। अब उनकी तो कोई लीला थी, कूदना तो बहाना था। तो कान्हा जी यमुना जी में कूद पड़े, और यमुना जी ने जैसे भी गए तो यमुना जी में एक काली नाग रहता था, कालिया नाग, हाँ। तो वो यमुना जी में जो गाय आती थी ना उनको पकड़ कर खा जाया करता था, और पूरी जो यमुना जी पानी को लेकर देता था इसलिए लोगों को वहाँ पर दिक्कत पड़ती थी। तो उसी कालिया नाग को मारने के लिए कन्हैया जी ने ये लीला रचा, पाँच फंदा रहा। तो कन्हैया जी कूद गए भैया, तो वहाँ अंदर नीचे गए जल के अंदर, तो उनके लिए वो नाग दिखा मतलब। तो कन्हैया जी ने उस नाग के लिए अपने बस में किया, और उसके ऊपर बैठ कर जल के ऊपर भी आ गए, और वहाँ पर खूब नाग के पाँच फंदा वाला जो नाग था उसके पास नृत्य किया। देवता लोगों ने ऊपर से नहीं फूलों की वर्षा की, लेकिन घर तो यशोदा मैया बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, मेरा बच्चा डूब गया, तो सारा गोकुलवासी भी इकट्ठे होगा जमुना जी के तट पर। लेकिन जो ही उन्होंने देखा कि कान्हा जी को नाग के ऊपर रात में जा रहे हैं, सब लोग वो भी साथ में नाचने लगे, कन्हैया जी भी नाचने लगे। काली नाग के बस में ऐसा किया है कन्हैया जी ने कि उनकी जो दो तीन पत्नियाँ थी ना, पहले तो उन्हें युद्ध चला था बहुत ज़्यादा, युद्ध चला वो मान नहीं रहा था, चला तो कन्हैया जी ने उसको पकड़ के घुमाया फिराया, तब उनको लगा कि हाँ ये भगवान है वास्तव में, और उनसे ही मेरा उद्धार होगा। तो कन्हैया जी ने इस प्रकार उनको भस्म कर लिया, और भस्म कर लिया, और उनके सिर पर कन्हैया जी बैठ गए, और खूब नृत्य किया कान्हा जी ने। देश का लोगों ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की, चारों ओर जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसी प्रकार ये कन्हैया जी की कालीनाग वाली ये कथा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अब आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। तो एक बार प्रेम से बोलो, जरा बोलो, कालीनाग नगरी या कृष्ण कन्हैया लाल की जय।